हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। क्रेवलॉन डर्मा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। डर्मा प्रोडक्ट्स आप सर्दियों के मौसम में कैसे यूज़ कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल नॉलेज देने वाली हूँ। और डस्की स्किन टोन एंड पिगमेंटेशन वाली स्किन भी है, तो कैसे क्या करना है चलिए मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। मेकअप के पहले मैं आज हेयर स्टाइलिंग कर ले रही हूँ, क्योंकि ये लोग काफ़ी लेट से आई हैं, तो मुझे फटाफट से सारा प्रोसेस कम्प्लीट करके देना है। हेयर स्टाइल के पहले आप क्या करें, पूरे बालों पे अच्छे से क्रिम्पिंग कर लें। मैंने इनके हेयर पे अच्छे से क्रिम्पिंग किया हुआ है, इससे क्या रहता है कि हेयर स्टाइल बहुत सुंदर बनता है और बहुत ज़्यादा हमें बैक कोमिंग नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ईयर टू ईयर सेक्शन डिवाइड करके मैं सिक्योर कर दी हूँ, और जहाँ से पफ बनाना है वहाँ से हेयर को ले रही हूँ। पफ बनाने के लिए मैं यहाँ पे ये स्टफ़ी यूज़ करी, इससे क्या रहता है कि ये जब आप पफ बनाते हो इसके ऊपर आप चुन्नी भी अगर रखते हो ना तो पफ दबेगा नहीं। तो इसको इस तरीके से रोल रोल करते हुए यहाँ पे ले जाके टाइट करके अच्छे से शेप बनाते हुए रखना है, और इसको बॉबी पिन की हेल्प से सिक्योर कर देना है। सॉरी, आगे का ये वाला मैं सूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत एकदम हड़बड़ी में सारे काम हो रहे थे। तो यहाँ पे ये हेयर स्टाइल का पूरा वीडियो मैं किसी दिन अलग से शेयर कर दूंगी कि कैसे बनाना रहता है, बाकी फिर मैंने जुड़ा उड़ा बना के कंप्लीट कर लिया होता। अब मैं विदाउट मेकअप, आप यहाँ इनकी स्किन को देख सकते हैं, पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। तो मैं बेबी वाइप्स यूज़ करी हूँ हिमालया की, ये बहुत अच्छी रहती है। तो फेस को क्लीन करने के लिए आप ये यूज़ करें, पूरे फेस को क्लीन करें ताकि जो भी स्किन में डस्ट हो या हल्दी वगैरह जो भी लगा रहता है ना, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। इनके फेस पे छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्पॉट भी हैं जो पिंपल या फिर बोल रही थी कि चिकन पॉक्स वगैरह के हैं, तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से हाइड करने वाली हूँ। देखते रहिएगा कि कैसे करना है। नेक्स्ट स्टेप्स में मैं अप्लाई कर रही हूँ एम कैफीन का टोनर एंड सीरम। तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लेके मैं फेस पे अप्लाई कर रही हूँ ताकि स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो सके। और हर एक प्रोडक्ट्स के बीच में आपको थोड़ा सा टाइम लेना है, ऐसा नहीं कि फटाफट फटाफट एक दूसरे के ऊपर लगाते चले, थोड़ा सा टाइम लेते हुए करोगे। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइजर, तो ये पाउंड्स का मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करी क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो स्किन को जितना ज़्यादा अच्छे से आप प्रेप करोगे आपका बेस उतना ही बेहतरीन बनेगा। तो मसाज करते हुए मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि बस हल्का हल्का लगा के छोड़े, नहीं, पूरा लगा के मसाज करोगे। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे प्राइमर कलर बार का, और बेस बनाने के पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ कर देगा। तो अब इसके ऊपर हम जो भी प्रोडक्ट्स लगाएंगे, ठीक है, तो वो हमारे पोर्स के अंदर नहीं जाएगा, तो इसलिए हमारी स्किन जो है सेफ रहती है। तो इसको मैं अच्छे से देखे इस तरीके से लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट प्रोसेस करूँगी। तो यहाँ पे मैं ये क्रेवलॉन डर्मा की 6 पीस वाली पैलेट यूज़ कर रही हूँ, तो ये D30 यूज़ कर रही हूँ। जो भी स्पॉट हैं, जो भी पिंपल्स के निशान वगैरह हैं, उसको हाइड करने के लिए D30 ऑरेंज कलर करेक्टर हमेशा जो हमारे स्किन में दाग धब्बे होते हैं ना, उसको हाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। डर्मा प्रोडक्ट्स ना बहुत ही थिक होता है, तो ये ब्रश की हेल्प से नहीं लगेगा, इसके लिए आपको अपनी फिंगर यूज़ करनी पड़ेगी। इनका स्किन क्या है, ऑयली स्किन है, इस वजह से मैं इसमें कुछ मिक्स नहीं कर रही हूँ। अगर ड्राई स्किन पे आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसमें जो है अलग से मिक्स करने के लिए भी प्रोडक्ट्स मिलता है, मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी ताकि आप समझ जाएंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ, या फिर आप कोई भी ऑयल या सीरम मिक्स करोगे उसको पतला करने के लिए। बट ऑयली स्किन पे कर रहे हो तो आप कुछ भी इंक्लूड मत करो, डायरेक्ट आप उसको अप्लाई करो, ठीक है। अब इसी पैलेट से मैं जो है लाइट शेड ली हूँ और आई के ऊपर मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें ना बहुत अच्छे शेड हैं, तो मैं डेली 1 यूज़ करी हूँ पैलेट। इसमें करेक्टर के साथ साथ ना और भी जो शेड्स हैं वो ऑल टाइप्स के स्किन पे चले जाएंगे, और मिक्स एंड मैच करके हम सभी ब्राइट का मेकअप कर पाएंगे, कैसा भी कलर हो, कैसा भी स्किन टोन हो। तो देखिए, बहुत थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी लगाना है, डर्मा प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मत लीजिएगा, थोड़ी थोड़ी सी लीजिएगा। हाँ, अगर यही मेकअप मैं किसी ड्राई स्किन पे करती ना, तो फिर मुझे अलग से प्रोडक्ट्स को निकाल के प्लेट में डाल के उसमें जैसे सीरम वगैरह मिक्स करके या ड्यूरालाइन मिक्स करके उसको पतला करना रहेगा, तब आप जो है उसको यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे फिंगर की हेल्प से ही देखिए मैं फेस पे भी बेस बनाना स्टार्ट की हूँ। तो मैं अभी यूज़ करी हूँ DFD, शेड नंबर DFD। तो ये वाला शेड अप्लाई कर रही हूँ, इससे क्या होगा कि जो भी ऑरेंज करेक्टर में यूज़ की थी ना,
ये उसको हाइड करेगा। और बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यूज़ करते हुए जा रही हूँ मैं। सर्दियों का मौसम है इस वजह से मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ। बस स्किन को अच्छे से प्रेप की थी, काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाई थी, तो स्किन काफ़ी अच्छे स्मूथ लग रही है। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट्स अप्लाई करी हूँ, DFD और D64 दो शेड मैं यूज़ करूँगी। DFD से क्या रहेगा, जो ऑरेंजेस स्किन लग रहा है वो हाइड हो जाएगा और D64 एक फेस में अच्छा खासा ग्लो देगा। तो उसी तरीके से सारा प्रोसेस मैं करी। इसको ब्लेंड करने के लिए डायरेक्ट आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ मत करिएगा, इसके लिए आप पहले ब्रश का यूज़ करें, उसके बाद आखिरी में आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें। अगर आप ड्यूरालाइन के साथ में मिक्स करके अप्लाई करोगे तो बेस काफ़ी थिन हो जाएगा, तो उसके लिए आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट अप्लाई करें तो फिर आप पहले ब्रश फिर ब्यूटी ब्लेंडर, इस तरीके से बेस आपको बनाना है। और जो भी देखे छोटे छोटे से पहले आपको स्पॉट दिख रहे थे वो बहुत ही अच्छे से हाइड हो गए और कुछ भी ओवर नहीं लग रहा है और ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ थोपा थोपा सा है, बहुत स्मूद एंड सपल लग रहा है। तो इस तरीके से ब्लेंड कर लेना है। ये देखिए प्रोडक्ट्स का यूज़ हमेशा आप अपने यहाँ के मौसम के हिसाब से करें, जैसे कि स्किन के साथ साथ आपके यहाँ का मौसम कैसा है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में रहती हूँ तो हमारे यहाँ पे उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, ठंड होती भी है तो ओके टाइप की ठंड होती है। तो मैं डर्मा प्रोडक्ट्स ऑल मौसम में यूज़ कर लेती हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप सर्दी के मौसम में यूज़ करें तो ड्यूरालाइन या फिर सीरम वगैरह उसमें मिक्स करके या फेशियल ऑयल मिक्स करके उसको थोड़ा सा पतला कर लें, उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट करें। उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का, थोड़ा सा लाइट शेड उसको लगा के मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर दूंगी। इसके ऊपर मैं स्टार्ट करूँगी आई मेकअप। और आईज़ को शेड करने के लिए हमेशा ट्रांसलूशन पाउडर यूज़ करें, काफ़ी ज़्यादा एकदम बारीक सा होता है तो बिल्कुल भी जो क्रीज लाइन होती ना उस पर ये जमता नहीं है। तो ट्रांसलूशन मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का, अच्छे से इस तरीके से लगा दूंगी। और आई मेकअप करने के पहले, जैसे आपने पूरा फेस बेस बना लिया, मैंने भी पूरा फेस बेस अब बना चुकी हूँ, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे इस तरीके से लगा के इसको रख दूंगी, उसके बाद आई मेकअप स्टार्ट करूंगी। इससे क्या रहेगा कि मान लीजिए फॉल आउट होता भी है आई शेडो का तो वो इजिली आप ब्रश की हेल्प से उसको क्लीन कर पाओगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ शुगर का। तो इनके फेस के फीचर बहुत अच्छे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एकदम ज़्यादा डीपली ब्रॉन्जर या कॉन्टूरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे हल्का हल्का सा करके इसको इस तरीके से ब्लेंड कर दी हूँ। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ आई मेकअप। चलिए अभी हम आई मेकअप पे आते हैं। और ये जो ब्रश यूज़ करी मैं लंडन प्राइम की ब्रश यूज़ करी, इसका नंबर वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करी हूँ सबका जो नाम नंबर सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो वहाँ से आप लोग देख पाएंगे। हाँ, जो क्रेवलॉन का मैं पैलेट यूज़ की हूँ उसका लिंक मैं नहीं दे पाऊँगी क्योंकि वो हर जगह ओरिजिनल मिलता नहीं है, या तो आप डायरेक्ट क्रेवलॉन स्टोर से लें तो ही आपको मिलेगा या फिर उसकी वेबसाइट से जाके लें तो आपको ओरिजिनल मिलेगा, वरना ये ऐसे मार्केट में ना डुप्लीकेट ही ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे मैं हल्का ऑरेंज और ब्राउन शेड एक साथ में मिक्स करते हुए लगा रही हूँ, अच्छे से ब्लेंड करते हुए पूरा लगाना है। इसके बाद एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से इसको हम पूरा मिक्स कर लेंगे। आउटर वी में मैं ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक नहीं यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। तो इनके जो इनका आउटफिट है उसी से मैच करता हुआ आई मेकअप दे रही हूँ और कोई कट क्रीज नहीं कर रही हूँ। डायरेक्ट मैं यहाँ पे शिमर यूज़ कर रही हूँ गोल्डन। आईज़ को अगर बड़ा दिखाना है ना तो आप जब ये शिमर अप्लाई करते हो ना तो उसको थोड़ा ऊपर तक करोगे। उसके बाद में मैं यहाँ पे ब्राउन शेड पिक की हूँ और लोअर लेस पे भी अप्लाई करी हूँ। काजल मैं ममार्थ का यूज़ की हूँ, बहुत अच्छा रहता है और काजल हमेशा आप ब्रांडेड यूज़ करें तो अच्छा है क्योंकि हर किसी को काजल शूट नहीं करता है। तो मैं ममार्थ का ही काजल यूज़ करती हूँ जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद में मैं यहाँ पे जो है लाइनर की एक अच्छी मीडियम सी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद में आईलेसेस मैं लगा दी हूँ। आईलेसेस का वीडियो मैं अलग से अपलोड कर चुकी हूँ गाइस, किस तरीके से लगाना होता है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा विंग्स और अच्छे से बना रही हूँ साइड वाला और देखिए कितना अच्छा लगने लगा आई मेकअप। उसके बाद मैं अब लास्ट में आईब्रो डिफाइन करी हूँ, स्टार्टिंग में नहीं की थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थिन आईब्रो है तो लास्ट में आप कर लो तो ज़्यादा अच्छा है।
उसके बाद ब्रॉ बोन को हाईलाइट करने के लिए मैं मैबलिन हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। और आप इनका फेस में देखिए, जो भी छोटे छोटे से ब्लैक ब्लैक से स्पॉट दिख रहे थे वो पूरी तरीके से हाइड हो चुके हैं। ब्लश में यूज़ करी हूँ शुगर का 02 नेचुरल शेड। बहुत ओवर मैं अप्लाई नहीं करी हूँ क्योंकि इनको ओवर बिल्कुल नहीं चाहिए था, नेचुरल लुक में चाहिए था, तो उसी हिसाब से मैं लगा रही हूँ। वीडियो में क्या रहता है कि जब आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लगाओ तो वो जाके दिखता है, तो रियल में आप देखोगे सामने से तो वो इतना भी इनफ था, काफ़ी अच्छे से वो दिख रहा था। अब मैं यहाँ पे देखिए हाइलाइटर वगैरह लगा के कंप्लीट कर दी हूँ। मेकअप फिक्सर से मेकअप को मैं फिक्स कर ली हूँ और अभी मैं यहाँ पे इनका जो आउटफिट वगैरह है वो कम्प्लीटली रेडी कर रही हूँ। चूड़ी वगैरह पहनेंगी और देखिए मेकअप जैसे जैसे सेट होते जाएगा, जैसे कि 15 से 20 मिनट होगा क्योंकि डर्मा है, तो ये 10-15 मिनट के बाद और अच्छे से ग्लोई दिखेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो सामने की लेयर उसको कर्ल्स करी हूँ क्योंकि इनको नीचे से चाहिए था, ऊपर से बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था। और हेयर स्टाइल सच में बहुत अच्छा लग रहा है, तो जब भी आप कर्ल्स करें तो प्रेशिंग मशीन का यूज़ करें, ऐसा आप कर्लर यूज़ मत करें क्योंकि टोंग कर्ल्स अच्छे नहीं लगते हैं, प्रेशिंग मशीन वाले कर्ल्स सही लगते हैं। तो ये हो गया है डन। उसके बाद इसको हम स्प्रे करके स्टे कर देंगे क्योंकि स्प्रे कर दोगे ना तो कर्ल्स जैसे आपने किए हैं वो उसी तरीके से रहेंगे लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये कंप्लीट हो गया है। अभी भी इनका जो गजरा है वो आया हुआ नहीं था, इनके फैमिली से इनके सिस्टर आने वाली थी, उनको भी रेडी होना था, तो वो आती तो अपने साथ में लेके आती, इस वजह से टोटल मैं आपको हेयर स्टाइल तो दिखाई लेकिन गजरा वगैरह का नहीं दिखा पाई। वो बहुत बस लास्ट में चलते चलते मैं उनको कंप्लीट करके दी थी। और ये चुन्नी वगैरह मैं आपको रख के दिखा दी क्योंकि चुन्नी मैं बाद में सेट करने वाली थी जब गजरा लगा लूँगी, तो बाकी सेटिंग इसी तरीके से करूँगी। तो कैसा लगा ये टोटल कंप्लीट लुक? तो जब भी आप ऐसे पिगमेंटेशन वाले स्किन पे मेकअप करें ना तो आप जो है क्रेवलॉन डर्मा प्रोडक्ट्स का यूज़ करें, बहुत ही अमेजिंग लुक आता है और बहुत अच्छे से हाइड हो जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको प्रोडक्ट्स थोड़ी सी कम क्वांटिटी में यूज़ करना है और ब्लेंडिंग अच्छे से बस करनी है, ठीक है? तो चलिए फिर बताना कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कल मिलते हो एक न्यू वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय गाइज़।